असलम dear learners एंड वेलकम इन दिस वीडियो दिस वीडियो इज अबाउट द कॉमन मिथ्स अबाउट entrepreneurship एंड दिस इज द एजेंडा यानी हम बात करेंगे कॉमन मिथ्स अबाउट entrepreneurs जो लिटरेचर में हैं और फिर अपनी entrepreneurs की टीम के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी सबसे फेवरेट कॉमन मिथ कौन सी है कॉमन मिथ से मुराद हम लेते हैं जर्नल प्रसप्शन हम किसी एक ऑन्टरप्रन्योर में कोई चीज़ देखते हैं किसी एक शख्स में कोई चीज़ देखते हैं और फिर उसको जर्नलाइज कर देते हैं कि सब के सब ऐसे ही होंगे सो so, इसी तरह हम ऑन्टपन्यूर्स में बहुत सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स uh, देखते हैं और फिर उसको जर्नलाइज कर देते हैं कि सभी ऑन्टरप्रोर्स ऐसे होंगे सो लेट इस सी वन बाय वन के वट आर दोज कॉमन मिथ्स फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली और सबसे मशहूर कॉमन मिथ तो यह है कि ऑनटरपन्योर्स आर बॉर्न इन दे कैन नॉट बी मेड ये सबसे ज्यादा की जाने वाली डिस्कशन है ये ऐसी ही डिस्कशन है जैसे कही कहा जाता है कि लीडर्स आर बोर्न एंड दे कैन नॉट बी मेड आर्टिस्ट आर बोर्न एंड दे कैन नॉट बी मेड ऑन्टरपेन्योरशिप आपको कोई भी नहीं सिखा सकता ये तो आपको विरासत में शायद मिलती है बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि कुछ ऐसी मखसूस बरादरियाँ हैं जिनमें तमाम के तमाम बच्चे बहुत कामयाब ऑन्ट्रपनीस बनते हैं अगेन ये डिस्कशन है नेचर वर्सेस नर्चर की यानी नेचर मीन्स आपकी फितरत जो आप लेकर पैदा होते हैं वर्सेस नर्चर यानी आपके इर्दगिद का माहौल और आपकी तरबियत हम ये बिलीव करते हैं कि दिस इज नेचर एंड नर्चर बोथ लुक एट दिस डायग्राम जीन्स यानी आपको जो विरासत में मिला है ऑब्वियसली इसका एक बहुत बड़ा uh, किरदार होता है आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स बहुत ज़्यादा आप अपने फादर अपने फोर फादर से इनहेरिट करते हैं और इसीलिए हर एक individual, एक डिफरेंट इंडिविजुअल होता है लेकिन साथ साथ आप जब जिस इन्वायरमेंट में रहते हुए आपकी परवरिश हो रही होती है उस इन्वायरमेंट से भी आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं ऐसा रिसर्च में कहा गया है कि ऑनटिन्योर्स बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑनट्रपन्योर्स के बच्चे ऑनट्रपेनोर्स बन जाते हैं बिल्कुल इस तरह से जिस तरह डॉक्टर्स के बच्चे अक्सर डॉक्टर्स बन जाते हैं एक्टर्स के बच्चे अक्सर एक्ट्रेस बन जाते हैं सो so, कुछ उनके जीन्स में होते हैं और कुछ बचपन से वो इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बचपन से बच्चा अपने बाप को कारोबार करता हुआ देख रहा होता है अपने बाप को एक्टिंग करते हुए देख रहा होता है या गाता हुआ देख रहा होता है और चूँकि उसकी जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट से वो सीखना शुरू कर देता है और अगेन आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपकी ऑनट्रपिनोरील इंटेंशनस और इंटेंसिटी को डिटर्मन करती है आपके जीन्स भी हो सकते हैं जिस तरह हमने पहले एग्जाम्पल दी कि डॉक्टर अमजिद ने जो किताब लिखी है कामयाब लोग वो तमाम की तमाम किताब चोटी जो है वो जो कारोबारी हजरा हैं उनके ऊपर है सो so, चिनीट में रहने वाले कारोबारी हजरात किस तरह कारोबार करते थे सो so, अगेन एक जोग्राफिकल बाउंड्री है और उसके मुकाबले उसके बारे में बात हो रही है सो so, जींस भी इम्पॉर्टेंट है और जीन्स के साथ साथ आपका जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है जिससे आप सीखते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है ये भी कहा जाता है कि वो लोग जो ज़्यादातर ऑन्टरप्रनोर्स के पास पास रहते हैं उनकी जो टेंडेंसी है या उनकी जो प्रोबिलिटी है ऑफ बिकमिंग ऑनटरपेन्योर वो भी बढ़ जाती है कॉमन मिथ नंबर टू ऑन्टन्योर्स आर वेरी हाई रिस्क टेकर्स यहाँ तक के कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो गैम्बलर्स होते हैं ना दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस ऑनटरप्रनीोर्स की जो हमने डेफिनेशन देखी थी या की जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें हम बार बार वो कह रहे हम एक बात कर रहे थे कि वो अपने अवेलेबल रिसोर्स को बड़े एफिशिएंट, बड़े इनोवेटिव बड़े अनऑर्थोडॉक्स वे में पूल अप करते हैं और बंडल अप करते हैं ताकि वो अपना बिजनेस मॉडल जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकें वो मॉडरेट रिस्क टेकर्स होते हैं या वो रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं लेकिन हाई रिस्क टेकर्स या गैम्बलर्स वो हरगिज़ नहीं होते हैं। ब्लाइंड रिस्क टेकिंग ऑनटरपनोर्स नहीं करता कॉमन मिथ नंबर थ्री ऑन्टरपिनोर्स आर प्राइमरली मोटिवेटेड बाय मनी कारोबारी हजरात को यही बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि उनके बारे में तमाम लोगों की राय ये होती है कि वो पैसे से बहुत प्यार करते हैं जबकि जितनी भी रिसर्च की गई हैं यानी जितने भी ऑन्टपनोर्स से बात की गई है उनमें जब उनकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन को लिस्ट डाउन किया गया है तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड कभी भी प्राइमरी रीजन नहीं रही किसी के भी ऑनटरप्रनोर बनने की Common myth number four, entrepreneurs are overwhelmed by their own ideas and do not listen to the advisors. और ये सबसे ज़्यादा शिकायत की जाती है ऑन्टरप्रीन्योर से और ऑनटरप्रनोर्स को ये बात इस बात की सबसे ज़्यादा शिकायत होती है कि उनके बारे में ये जनरल परसेप्शन क्यों हैं? हम ये समझते हैं कि वो अपनी आइडिया को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो किसी भी एक्सपर्ट की राय नहीं सुनना चाहते वेयर एज इट इज़ नॉट ट्रू इसीलिए तो नेटवर्किंग की जाती है इसीलिए इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं इसीलिए कंसल्टिंग फर्म्स आती हैं और ये तमाम के तमाम सर्विसेज देते हैं ऑनटरप्रोर्स को और उनको ट्रेनिंग भी देते हैं कॉमन मिथ नंबर फाइव ऑन्टपिन आर टेक विजर्ट्स और ये आज के दौर के लिए तो बहुत ज्यादा अस्यूम किया जाता है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का दौर है इसलिए हम समझते हैं कि जो भी बिजनेस मॉडल आएगा वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा और जो ऑन्टरप्रनोर होगा उसको टेक्नोलॉजी uh, का या यानी कि टेक विजर्ड होना चाहिए दिस इज़ नॉट ट्रू इन ऑल केसेस बहुत से बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं हैं और अगर आप टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हैं या टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप अपनी टीम में कोई ऐसा मेम्बर ज़रूर ऐड कर सकते हैं आपका ख़ुद का बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल नॉलेज या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसके बगैर आप कारोबार कर ही नहीं सकते हैं। कॉमन मिथ नंबर 6 Entrepreneurs लव द spotlight. इससे भी वो बहुत नाराज़ होते हैं ऑनटरपनोरस के बारे में यूजअली कहा जाता है कि वो जहाँ भी बैठते हैं वो अपनी कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं वो लोगों को बताते हैं कि वो कितने कामयाब हैं उन्होंने कितनी स्ट्रगल की और वो हर एक के ऊपर साबित करना चाहते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं ऑनटरपनोर की कहानियाँ सुनने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है लेकिन हर बहुत से ऐसे आपको बिजनेस मॉडल्स मिलेंगे जिनके जिनके फाउंडर्स के बारे में आप जानते भी नहीं होंगे सो so, ऐसा नहीं है कि ऑनटरप्रोर्स जो हैं वो हर वक्त स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते हैं कॉमन मिथ नंबर सेवन ऑन्टरप्रोर्स आर इन्वेंटर्स बिकॉज दे आर इनोवेटर्स दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप इन्वेंट भी करें और आप उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन भी करें हो सकता है इन्वेंटर कोई और हो आप सिर्फ उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल राइट ब्रदर्स ने लोग इंसान को उड़ना सिखाया लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एयरलाइन एयरप्लेन किसी और ने की है लाइक वाइज बेंस ने पहली कार इन्वेंट की थी लेकिन गाड़ियों की कमर्शियल प्रोडक्शन किसी और ने की है यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप ख़ुद कोई चीज़ ऐजाद करें और फिर उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन करें तो ही आप ऑनटरप्रीनियोर्स होंगे आप इनोवेट इनोवेटर ज़रूर होंगे और इनोवेटर से मुराद ये है इनोवेशन में आप प्रोसेस इनोवेशन कॉस्ट इनोवेशन प्रोडक्ट इनोवेशन इन सब के बारे में हम बात करेंगे वो लेकर आ सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इन्वेंटर भी हों कॉमन मिथ नंबर एट दे डोंट नीड टू अर्न डिग्री इफ दे वॉन्ट टू बी एन ऑन्टरप्रीनियोर यानी अगर आपने ऑन्टरप्रन्यर बनना है तो आपको पढ़ने की हरगेज ज़रूरत नहीं है यह भी एक बहुत बड़ी कॉमन मिथ है ऐसा हरगेज नहीं है सिलिकॉन वैली को कौन नहीं जानता वहां से कितनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिजाइन होकर दो पूरी दुनिया में जाते हैं कौन नहीं जानता सिलिकॉन वैली की अपनी एक ऑन्टरप्रोर्स uh, की क्लब है ऐसा हरगे जरूरी नहीं है कि अगर आप ऑनटरप्रोर बनना चाहते हैं तो आपको डिग्री की हरगे जरूरत नहीं है और अगर आपने डिग्री ले ली है तो आप ऑनटरप्रोर नहीं बन सकते हैं इसका जिक्र हमने पहले भी किया था सो so अगेन uh, ये जितनी भी आपको एग्जाम्पल दी जाती है कि सारे ही ऑन्टप्रीनोरस कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट हैं दिस इज अ मिथ नॉट अ रियलिटी कॉमन मिथ नंबर नाइन

लेकिन उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करके ऑपरेशनलाइज करने के लिए आ, उनके पास पैसे नहीं थे बट किसी ना किसी तरह उन्होंने इन रिसोर्सेज को मैनेज किया सो so, ये जो आपका ख्याल है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ऑनटरपिन्योर नहीं बन सकते इस ख्याल को भी आपको बदलने की ज़रूरत है कॉमन मिथ नंबर टेन ऑन्टपन्योर आर यूजअली यंग जीनियस सुपर एनर्जेटिक काइंड ऑफ हीरो आप इंटरनेट पे जाइए आपको जितनी भी कोट्स मिलेंगी उनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हम किसी हीरो या हीरोइन के बारे में बात कर रहे हैं ऑनटरपन्योर्स जीनियस होते हैं ऑन्टरपेन्योर्स इंटेलिजेंट होते हैं ऑन्टरपनी एक्टिव लर्नर्स होते हैं लेकिन ऑन्टपेन्योर्स को जिस तरह से हद से ज़्यादा सुपर जीनियस दिखाया जाता है ऐसा भी हकीकत में तो मबनी नहीं है बहुत से ऐसे ऑन्टरप्रनीस आपको मिलेंगे जो कामयाब कारोबारी हजरात हैं और एक मॉडरेट लेवल के वो इंटेलिजेंट भी हैं और मॉडरेट लेवल के वो इनोवेटर्स और इन्वेंटर्स भी हैं सो वर द कॉमन मिथ्स। चले अब अपनी की टीम के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके बारे में लोगों की राय क्या होती है और कौन सी कॉमन मिथ उनकी फेवरेट कॉमन मिथ है आई थिंक फॉर लाइक Uh, they're, I mean, they are not, the not just the inventors, but they are the people who nurture. So I think they really know how to nurse and how to nurture. For me, like an entrepreneur, is not just like uh, making money out of it, it's more like nurturing uh, the society or nurturing the environment.